नमस्कार दोस्तों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हिंदी व्याकरण में कक्षा 9 के लिए चार टॉपिक लेके आया हूँ, वर्णमाला, काल, क्रिया और समास। वर्णमाला, काल, क्रिया और समास के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। एक रिक्वेस्ट था, अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदबंध होता है। पदबंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जिस सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको, वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार के होते हैं वर्णमाला। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। आगे चलते हैं, अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। क वर्ग होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ग में होता है य, र, ल, व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, धन स और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, काल किसे कहते हैं? जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल मतलब समय भी होता है। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूतकाल को पास्ट टेंस, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्य को फ्यूचर टेंस। अब हम चलेंगे भूतकाल को लेके, फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और उसके क्या डिटेल है उसके भी, सेम उसी प्रकार भविष्य काल के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? पहले भूतकाल से शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। मतलब आपको यह पता चल जाए कि काम हो चुका है, अभी आप प्रेजेंट में हैं और काम हो गया है, ये आपको अनुभव हो,
या पता चले किसी काम के बारे में, इसका मतलब ये हुआ वो काम भूतकाल में हुआ है, ठीक है। जैसे लड़का आया था, ये मैंने पीछे वाली बात कह रहे हैं, मतलब आया हुआ बहुत टाइम हो चुका है, वो खा चुका था, मैंने गया, दो दिन पहले जोर की वर्षा हुई थी, नेताजी का प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था। ये सारे स्टोरी कह रहे हैं, स्टोरी जितने भी आप स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी कहते हैं किसी को, वो हर समय भूतकाल में होता है, ठीक है। अब चलते हैं भूतकाल के वर्गीकरण के बारे में, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं हिंदी में, ठीक है। कौन कौन से? समान भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुतु मद भूतकाल, ठीक है। ये सारे भूतकाल के भेद हैं, ठीक है। अब चलिए भूतकाल में जो सबसे पहला भेद है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरों शब्द में कहें, क्रिया के जिस रूप से काम के समान रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, इस वाले जो वाक्य हैं इसमें क्रिया के क्या है, बीते हुए समय की पूरी हो रही है, मतलब बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः यह सामान्य भूतकाल क्रिया है। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुए हैं उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित करते हैं, मतलब अभी अभी तत्काल में जो काम हुआ है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी सोके उठी हूँ, मतलब अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले की बात है। इस तरह से जो काम हुआ है तो तत्काल वाली बात है, वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, बहुत कम टाइम पहले हुआ है, तो इसलिए ये सारे जो क्रियाएं हैं आसन्न भूतकाल के अंदर आते हैं। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्करण लिखे थे, तो ये सारे काम जो है ना बहुत पहले हो चुका है, तो इस तरह के क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। आगे चलते हैं, पूर्ण भूतकाल के बाद है अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। काम चल रहा है मगर काम पूरा नहीं हुआ है और वो अभी रनिंग है, तो उस भूतकाल क्रिया को क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, मतलब क्रिया खत्म नहीं हुई, गाना कंटिन्यू चल ही रहा है, तो इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। रीता सो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इस नाम से ही पता चल जाता है, संदिग्ध मतलब संदेह रखने, ठीक है। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, तो इसमें सारे संदेह हैं, पूरा परफेक्ट नहीं है कि हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हो चुका होता तो पूर्ण में चला जाता, अगर नहीं हुआ है तो अपूर्ण भूतकाल में चला जाता, मगर जिसमें संदेह बना हुआ है वो न पूर्ण में जाएगा न अपूर्ण में जाएगा, यह संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। नेक्स्ट है हेतु हेतु मद्भूत, ये किसे कहते हैं? यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने
या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया कहते हैं। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्य में दिया गया हो वह हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश ना हो सका। जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तुमने अगर परिश्रम पीछे अगर परिश्रम किया होता तो आगे वाला जो काम होता वो पास मतलब रिजल्ट जो है वो अच्छा होता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसका मतलब वर्षा पे निर्भर है फसल, जिसमें एक दूसरे पर निर्भर किया जाता है उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये भूतकाल का लास्ट टॉपिक था। अब चलते हैं वर्तमान काल पे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा करा रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है, तो ये सारे वर्तमान में चल रही हैं, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्तमान काल का भी 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभव वर्तमान काल। नेक्स्ट चलते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्द में कहे तो जिस क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती है। क्रिया के जिस रूप में समानता या प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, ना कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले ना संदेह हो, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, खेलना प्रस्तुत समय में है किंतु ना तो वह अपूर्ण है ना ही अनिश्चित है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल में है। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है वह चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है, ना मोहन अभी विद्यालय पहुंचा है ना ही घर पे है, वो रास्ते में है, वो कंटिन्यूस विद्यालय जा रहा है, इसलिए ये काम पूरा नहीं हुआ, ये अपूर्ण हुआ है। तो पूर्ण हो जाएगा तभी तो पूर्ण कार्य में चल जाएगा, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है इसलिए ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है, तो इस तरह के जो कार्य बीच में कंटिन्यूस चलते हैं, काम पूरा नहीं होता, उसे अपूर्ण कार्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह आया है, पूर्ण रूप से आ गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वह चला गया है, उसने भोजन कर लिया है, मैं तो सुबह ही नहा चुका हूँ, घड़ा पानी से भर गया है। तो ये सारे कार्य पूरा हो गया है, सिद्ध हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है, तो इस सारे कार्य को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्द में सरल शब्दों में कह दें जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, पूर्ण भी हो चुका है और नहीं भी पूर्ण हो चुका होगा, मगर हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि वो बना रही होगी, तो रही होगी वाले जो शब्द आते हैं ना जहाँ संदेह प्रकट होता है उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा,
आज विद्यालय खुला होगा, तो इस तरह के जो संदेह प्रकट किया जाता है जिस वाक्य में, और उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। आगे चलते हैं, तत्कालीन वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वह जा रहा है, तो ये सारे जो वाक्य हैं वो तत्कालीन कंटिन्यूअस चल रहे, तत्कालीन हो रहा है, तो उसे कहते हैं तत्कालीन वर्तमान काल। नेक्स्ट टॉपिक है संभव वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने का संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। संभव का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, ठीक है, जैसे वह आया है, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संभव वर्तमान काल के होते हैं, ठीक है। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं, जैसे वह कल घर जाएगा, आने वाले दिन में कल हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। अब भविष्य काल के कितने भेद होते हैं उसको जान जाते हैं। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, सम्मान भविष्य काल, संभव भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। चलते हैं सम्मान भविष्य काल पे। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सम्मान ढंग से होने का पता चलता है उसे सम्मान भविष्य काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया संभवतः भविष्य में होगी, जैसे कि बच्चे कैमल बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। इसमें भविष्य में समान रूप से काम के होने की सूचना दे रहा है, अतः यह सम्मान भविष्य काल के क्रियाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संभव भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का संभावना का पता चलता है उसे संभव भविष्य काल कहते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने का संभावना हो, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, तो ये सारे जो वाक्य दिए गए हैं इसमें क्रिया में के भविष्य में होने का संभावना है, यह पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः यह संभव भविष्य काल के क्रियाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है यहाँ पे। वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, इस तरह के एक दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। ये काल के लास्ट चैप्टर था, भविष्य काल के भी लास्ट चैप्टर था। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है, इसे भी व्याकरण में एक विकारी शब्द माना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्रिया के बारे में, ठीक है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, हो चुका है या भविष्य काल में होगा। ये काल का चैप्टर है। अगर काल के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है काल के बारे में, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करें और काल के पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखें, काल के बारे में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है, ठीक है। क्रिया को संज्ञा विशेषण से भी बनाया जाता है,
ठीक है। अब संज्ञा और विशेषण के बारे में आपको पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, संज्ञा के बारे में भी और विशेषण के बारे में, वहां से आप संज्ञा और विशेषण के बारे में पूरा सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्रिया का सार्थक शब्द के 8 वेदों में से एक माना जाता है। खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गणना, दौड़ना, ये सारे क्या है? क्रिया है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, ठीक है। जब धातु में ना लगाया दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। धातु जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं, ठीक है। जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रा आदि, ये सारे धातु हैं। मूल धातु, समान धातु, युतर्प धातु, यौगिक धातु, ठीक है। ये सारे धातु के भेद हैं। धातु के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, मूल धातु, समान धातु, उत्पुर और यौगिक, ठीक है। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, रो आदि, ये सारे क्या है? मूल धातु है। अब है समान धातु। समान धातु किसे कहते हैं? धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, गाना, हंसना, देखना, जाना, खाना, बोलना, रोना, ये सारे सामान्य धातु हैं। युतप्न धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातु से प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किया जाते हैं उसे युतपन धातु। जैसे पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, खिलवाना, धुलवाना आदि, ये सारे क्या है? युत्पन्न धातु, ठीक है। यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक धातु के बारे में जानते हैं। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती जाए। अब चलते हैं क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बसना, रोना, चमकना, हंसता, चलता, दौड़ता, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकरना, डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, ढोलना, मरना, घटना, फंसना, जगना, बरसना, उलझना, कूदना आदि, ये सारे अकर्मक क्रिया के प्रकार हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। वह चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है, ठीक है। इसमें जो जो क्रिया है ये इसका कर्म रहित है और सारे जो क्रेडिट ले रहा है वो कर्ता ले रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के रूप है, ठीक है। अब चलते हैं सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। अकर्मक क्रिया में कर्म के साथ नहीं था और कर्म रहित था, इसमें क्या है? उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, ठीक है। इस तरह की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया,
द्वि कर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया, ठीक है। जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रही है, इसमें एक ही क्रिया हो रहा है ना, इसलिए एकर्मक क्रिया होता है। यह है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ होता है दो कर्म वाला या दो कर्म सहित जिस क्रिया का साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, इसमें सोहन जो है प्राणीवाचक है, दूसरा क्रिया कर्म जो है निर्जीव तरह होता है, ठीक है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, नौकर फिलाइन से पोछा लगा रहा है, इस तरह के जो क्रिया होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया अस्पष्ट अर्थ ना दे वह वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होता है, ठीक है। इसके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, इनमें राष्ट्रपिता लिखने से अस्पष्टता आ गई है। तुम हो, तुम बुद्धिमान हो, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा, तो पहले में कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे में एक शब्द लगाया गया है उससे स्पष्ट हो रहा है पूरा वाक्य। तो इस तरह के वाक्य शब्द को क्या कहते हैं, पूरक शब्द कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपूर्ण क्रिया पे देख लेते हैं पहले। हाँ, अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती है, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो बीमार रहा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कभी कभी कुछ सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता है, इसमें भी संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने उसे महान बनाया, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं, पहले मैंने बताया था दो क्रिया के होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। अब संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। अब सामान्य क्रिया पे चलते हैं। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के रूप से काल विशेष का पता ना हो और उसके पीछे ना लगा हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना, ये सारे सामान्य क्रिया के पार्ट हैं। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, अर्थात जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, इसमें दो क्रिया, खाना और खा लिया, दोनों अलग अलग क्रिया, ठीक है। चले आ जाओ, चलना भी क्रिया है और जाओ भी क्रिया है, तो दो क्रिया होती है इसमें, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब चलते हैं संयुक्त क्रिया के भेद पर, ठीक है। अब संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं।
आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यत्व बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, पूर्ण रुक्त संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह नाचने लगी, बरसात होने लगी, राम खेलने लगा, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। आगे क्या है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह सो चुका है, राम खा चुका है, वह लड़ चुका है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया का विनष्पन कराने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जाने ना पाया। चौथा है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को करने की अनुमति दिए जाने का पता चले उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे सोने दो, मुझे कहने दो, इस तरह के जो वाक्यात होते हैं वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया की नित्यता का या उसके खत्म ना होने का पता चले उसे नित्याबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, पेड़ बढ़ता गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नित्याबोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, छठा क्या है, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रियाओं की आवश्यकता या कर्तव्य पता चले उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे यह काम करना चाहिए। सातवां क्या है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का पता चले उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वो बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आठवां है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया के करने की इच्छा का पता चले उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है तब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे वो पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। दसवां क्या है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चलता है उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, इस तरह के शब्द से शक्ति का बोध होता है, इसलिए ये सारे शब्द शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। पूर्ण रुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जोड़ने का पता चलता है
उसे पूर्वोक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला कूदा करता है, खेलना अलग क्रिया है और कूदना अलग क्रिया है, दोनों को ज्वाइंट करके एक साथ यूज किया जाता है, उसे पूर्वोक्त क्रिया कहते हैं। आगे क्या है? नाम धातु क्रिया, क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। यह धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए इसे नाम धातु कहलाती है। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलन से बिल गाना, स्वीकार से स्वीकाराना, अधिकार से अधिकराना, उद्धार से उद्धारना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, झूठ से झूठलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, सठिया से सठियाना, गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना आदि जो शब्द होते हैं ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, उसने उन्हें लतिया दिया, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा शब्दों से बनाए हुए कुछ नाम धातु के उदाहरण, शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झूठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखियाना, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के शब्द हैं और उसे नाम धातु बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों से बने नाम धातु के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। अपना से अपनाना, पराया से परायाना, इसे हुए है सर्वनाम से बने हुए नाम धातु। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण से बने कुछ नाम धातु के बारे में देख लेते हैं। साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना, फिल्म से फिल्माना, इस तरह से विशेषण से नाम धातु के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुकरण वाची, थप थप, थप थपाना, थर थर, थर थराना, कप कप, कप कपाना, टन टन, टन टनाना, बर वर, बर वराना, खट खट, खटखटाना आदि शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कटवाना, करवाना, बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती आते। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने हमें खाना खिलवाया आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक देख लेते हैं। ठीक है, दो प्रेरक होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। ठीक है, प्रेरक कर्ता में देख लेते हैं, जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है या प्रेरणा देता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। जैसे मालिक और अध्यापक। ठीक है, प्रेरित करता है, जो किसी और से प्रेरणा लेता है उसे प्रेरित करता कहते हैं, जैसे नौकर और छात्र। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती है,
जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है। मूल दो अक्षर वाले धातु में जब आना या बाना जोड़ दिया जाता है, पढ़ से पढ़ाना, पढ़वाना, चल से चलाना और चलवाना, ये है नियम है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया दो अक्षर वाली धातु में जब ए या ओ जोड़ दिया जाता है, तब दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर बना दिया जाते हैं। जैसे जीत से जिताना, जितवाना, लेट से लिटाना, लिटवाना, इस तरह से। तीन अक्षर वाले धातु में जब आना और वाना जोड़ दिया जाता है, तब भी बनता है। जैसे समझ से समझाना, समझाना और समझवाना, बदल से बदलाना और बदलवाना, इस तरह से। ठीक है, कुछ धातु में आवश्यकता अनुसार प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे जी से जिलाना, जिलवाना। पूर्णकालीन क्रिया किसे कहते हैं? पूर्णकालीन का अर्थ होता है पहले से हुआ, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। पूर्णकालीन क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भाग गया, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वह खाकर सो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पूर्णकालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? तत्कालीन क्रिया। तत्कालीन क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तत्कालीन क्रिया, यह क्रिया ही पूर्णकालीन क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर कर्म का अंतर होता है, उसे तत्कालीन क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आते ही सो गया, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तत्कालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। कृदंत क्रिया क्या होता है? कृदंत क्रिया, कृदंत प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि, इस तरह के कृदंत क्रिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? यौगिक क्रिया। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इनमें पहले क्रिया पूर्णकालीन होती है, जैसे वह सामान रखकर गया, परीक्षा सिर पर आ चुकी है, इस तरह के क्रिया को यौगिक क्रियाएं कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक तो कभी एक से ज़्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है, लेकिन इनमें हेर फेर करने से क्रिया का काल परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम सोए हुए हो, इस तरह से सहायक क्रिया होते हैं।
सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, इस तरह के जो क्रियाएं होती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे कौन सी क्रिया है? विधि क्रिया। विधि क्रिया क्रिया के लास्ट भागों में से एक है। विधि क्रिया कहते किसको है? जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, इस तरह के। चलिए समास क्या होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। संक्षिप्तीकरण को कहते हैं समास, ठीक है। किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर उसको एक शब्द बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? समास। संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्द में समास संक्षेपण करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द अथवा कारक चिन्ह का लोप होने पर उन दोनों अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए दया का सागर का सामाजिक शब्द बनता है दया सागर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दया और सागर दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों को मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द बनाया गया है दया सागर, ठीक है। इसमें जो कारक का है उसका लोप हो गया है और एक स्वतंत्र शब्द बना है दया सागर, इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अब नीचे दिए गए इस उदाहरण में दया और समास मैंने बता दिया आपको, और समास उसके बाद है समास। अभी उदाहरण बहुत देखे हैं तो अब समास के बारे में पहले जान लिए पूरा डिटेल, अब उसके भेद कितने होते हैं वो मैं देख लेता हूँ, फिर हर भेद में मैं बताऊंगा समास कैसे बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समास के छह भेद होते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यवहारी समास और बहुव्रीहीन समास, ठीक है। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दूसरे भाषा में आप क्या क्या कह सकते हैं कि जो दोनों शब्द होगा, दोनों दोनों महत्वपूर्ण शब्द हो और दोनों में से दोनों का एक अलग दृष्टि से अर्थ निकलता हो तो उसे को जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे कि माता और पिता, ये दो शब्द हैं माता और पिता, ठीक है, दो शब्द है, दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों शब्द का अर्थ जो है दृष्टि से दोनों स्वतंत्र शब्द अलग अलग हैं मगर दोनों का अर्थ जुड़े हुए हैं, तो इसको एक समास में कन्वर्ट करना है माता और पिता को, तो माता पिता हो जाता है इसका, ठीक है। राम और कृष्ण, राम कृष्ण, भाई और बहन, भाई बहन, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य को पाप पुण्य हो गया, सुख और दुख को सुख दुख कह सकते हैं। तो इस तरह के जो भी समास होता है द्वंद्व समास, ठीक है। आगे चलते हैं द्विगु समास पे। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्र, ठीक है, नौ रातों के समूह को क्या कहते हैं? नवरात्र। इसमें जो पहला पूर्व पद है, सबसे पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, नौ संख्यावाचक है। इसमें दूसरे एग्जांपल में है सप्तद्वीप, सात द्वीपों के समूह को सप्तद्वीप कहते हैं, सात संख्यावाचक है। त्रिभुवन, तीन भुवनों के समूह को त्रिभुवन कहते हैं, तीन जो है वो संख्यावाचक है। सात मंजिला, सात मंजिला का, सात मंजिलों का समूह को सात मंजिला कहते हैं, सात एक संख्यावाचक है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य या शब्द आते हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब द्विगु समास के बाद तत्पुरुष समास, अब चलिए तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जो पहला पद हो वो गौण होता है और जो दूसरा पद हो वो प्रधान होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। दोनों पद के बीच प्रसंग का लोप होता है, प्रसंग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता है, जैसे है मत को देने वाला को क्या कहते हैं? मत
दाता गृह को काटने वाला को गृहट, इस तरह के जो शब्द आते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं जिसमें को का लोप होता है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है, जिसमें से का लोप होता है वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे तत्करण तत्पुरुष, जहाँ कर्ण कारक चिन्ह का लोप होता है, कर्ण कारक चिन्ह तो जानते ही हैं, से को कहते हैं कर्ण कारक चिन्ह, तो इसका लोप हो जाता है तो वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जन्म से उत्पन्न जन्मजात, मुंह से मौंगा मुंह मांगा, इस तरह का जो भी वाक्य या शब्द होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है मैंने, हाथ के लिए करी, जिसको कहते हैं हाथ करी, तो हाथ करी को कह सकते हैं हाथ के लिए करी, के लिए लोप हो गया, हाथ करी हो गया। सत्यग्रह, सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे चौथा क्या है, आपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होता है वो लोप होता है, इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होते हैं से होता है। तो धनहीन, धन से हीन को व्यक्ति को धनहीन बोलते हैं, ठीक है, इसमें से लोप हो गया। भय से भीत, भयभीत, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें से का लोप होता है उसमें आपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। पांचवा क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं, संबंध कारक चिन्ह का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर, इसमें का जो है तत्पुरुष संबंध कारक, तो इसमें का लोप हो जाता है तो जो बन जाता है प्रेम सागर, तो उसको कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, दिन की चर्या, दिनचर्या, दिन की चर्या को क्या कहते हैं, दिनचर्या। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होता है, जैसे मैं, ठीक है, पर, तो नीति में निपुण, नीति निपुण, मैं का लोप हो गया। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास, तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं उसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष समास में कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, अधिकारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के बाद चलते हैं अगले समास पर, अगला समास कौन सा है, कर्म धारी समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो कर्म धारी समास कहलाता है, और इनमें भी उत्तर पद जो प्रधान होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें काली है जो मिर्च, उसे कहते हैं काली मिर्च, काली जो है वो विशेषण है और मिर्च जो मिर्च जो मिर्च है विशेष है, तो इस दोनों को मिलाकर कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, जो मिर्च है उत्तर, जो पद है उत्तर पद कौन सा है, मिर्च है, वो प्रधान है। ठीक है, काली विशेषण है तो इसे कहते हैं काली मिर्च। नीला है जो कमल, तो नील कमल, तो नीला कमल जो है प्रधान शब्द है, उत्तर पद है, और नीला है विशेषण है। ठीक है, उत्तर पद विशेष है, जैसे है जो कमल उसमें का कोई वो विशेषण नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए इसको विशेष बोलते हैं। अगर आपको विशेषण और विशेष के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी विशेषण क्रिया विशेषण के लिंक डाल रखे हैं, वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका विशेषण और क्रिया विशेषण और विशेष का पूरे जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले को चंद्रमुखी कहते हैं। सद्गुण, सद है जो गुण, सद्गुण। ठीक है, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं कर्म धारी समास कहलाते हैं। दूसरी समास है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय भाव समास कहलाता है। ठीक है, यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। मैंने पहले बताया क्रिया विशेषण के लिए आपको देखना है वीडियो, तो क्रिया विशेषण का लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, बहुविहीन समास। बहुविहीन समास कौन सा समास होता है, जिस समास में दोनों पद के मध्यम में एक विशेष या तीसरा अर्थ का बोध होता है उसे बहुविहीन समास कहते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा,
महान आत्मा है जिसका अर्थात ऊंची आत्मा वालों को क्या कहते हैं, महात्मा। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थ क्या है, गणेश जी। तो इस तरह के गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। मक्खीचूस मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति, तो इसको कहते हैं मक्खीचूस। मतलब ऐसा सब दो पद होते हैं जिसके मध्य में एक तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, उसको कहते हैं बहुविहीन समास। ठीक है, ये लास्ट था समास के छठे भेद में से लास्ट भेद था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। समास के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।